जैसे यह साल बीत रही है, आज इस इतवार को ही मध्याह्न समय के बाद प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर प्रभु की कृपा से हमने पाए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अनेक विषयों के बीच में समय निकाल कर प्रभु की आराधना के लिए परमेश्वर के चरणों पे अपने आप को लेकर आए। प्रभु आपको बहुत का आशीर्वाद का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र अनेक दिवसों से ये सुनकर आ रहा है कि परमेश्वर अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखे हैं। ये बड़ी खास रिश्ता है परमेश्वर को अपने जन के साथ। ये बात हमने ये भी देखा कि ऐसे लोग अति ऊंचाई की आराधना अर्पण करने वाले लोग हैं, वो लोग प्रभु के सम्मुख खाली हाथ आते नहीं है, नहीं वो लोग उसके जीवन के अत्युत्तम चीज को, अति कीर्तिमान समय को और सारी जीवन में सारी प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं। ये बात हमने देखा जब हम ऐसे वेद चढ़ाने आते स्वर्ग भी सेंद वेद उसके सर्वश्रेष्ठ आशीष उसके जन के ऊपर बरसाते हैं। ये बात हमने फिर हमने सुना है कि परमेश्वर जो ऐसे सर्वश्रेष्ठ बात हमें देना चाहता है, सबसे पहले वो सारे आशीषों को पाने के लिए प्रभु ने अधिकार और सामर्थ्य देता है। हमने देखा जो उस पर विश्वास करता जो उसको स्वीकारता परमेश्वर सबसे पहले उसके संतान बनने के लिए पुत्र और पुत्री बनने के लिए अधिकार अर्थात बल और सामर्थ्य देता है। ये बात हमने देखा। हमने ये भी देखा कि सिर्फ वो बल देने वाला नहीं है, ऐसा तो हष्ट पुष्ट लोग इधर बहुत है और बड़े बड़े बलवंत लोग हैं, वो परमेश्वर की महिमा से हमारा मुंह का सम्मान भी करता है, नहीं है? तो बल के साथ वो हमें स्वर्गीय महिमा से धारण कराता। ये बात हमने देखा। लेकिन आगे बढ़कर हमने देखा कि बल पाने वाली एक बात होती है, महिमा वाले एक बात होती है, उसमें बने रहने के लिए शैतान की चाल से उसकी सब चालाकी से बच के रहने के लिए हमें स्वर्गीय ज्ञान और समझ की जरूरत है। अब प्रभु वो भरपूरी से देने पे तैयार है। ये बात आपने देखा, इतना ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान दिव्य ज्ञान और समझदारी प्रभु हमें देना चाहता ताकि हम दोबारा आदम और हवा की तरह शैतान के झूठा मन में मत पड़े, या शिमशोन की तरह हम we will never become a helpless victim to the devil's treachery, नहीं है? उसके सारी ऐसे हमें धोखा देने वाली बात से हम बच कर रहे। ये बात हमने देखा। अरे कब तक पहले हमने अनेक बात सुना कि प्रभु कैसे ज्ञान दिव्य ज्ञान और समझदारी से हमें हमें भरपूरी से आशीर्वादित करना चाहता। ये बात हमने देखा, नहीं है? आज वो उसके साथ हम कुछ कुछ सुनेंगे। अगर मैं इधर करा है और आपको मैं बोर कर रहा हूं, मेरा गलती नहीं है। मैंने परमेश्वर के दासों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग वचन दो, वचन दो, बोलो तैयार नहीं हुआ इसके लिए मैं करा तो सही है। आप लोग गलती मेरा नहीं है, मैंने कई बार विनती किया, इन्होंने बाधा नहीं है तो आप सही है, ठीक है? तो हमने पिछले इतवार को हम कुछ कुछ बात पढ़ी थी, पिछले द्वार अर्थात उसके पहले के द्वार, नहीं है? हमने देखा कि एक आएगा ज्ञान और समझ से परिपूर्ण होकर एक आएगा, नहीं है? हम एशिया में 11 अध्याय में वो पढ़ाता यहोवा का भाई सुमेध सा वो मुख देखा न्याय नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, वो आएगा। हमें ज्ञान का श्रोता उतर कर आएगा, नहीं है? उसमें ज्ञान की भरपूरी होगी। ये बात हमने देखा, नहीं है? आज शायद हमने पढ़ा कि वो आया, नहीं है? वो आया है, आया है क्या? आया है। आज हमने पढ़ा कि हम
नौवा अध्याय से पढ़ा था नहीं है पर सब ग्यारह में उधर ऐसा कहता है नौ में ऐसा क्यों कहता ऐसा पूछना नहीं है परमेश्वर के वचन में जो जो भविष्यवाणियां होता है वो एक एक समय में संदर्भ के अनुसार भविष्यवाणी होती है ऐसा नहीं है कि होशेया ने जो कहा वो एशिया के पहले होना चाहिए था ऐसा नहीं है तो यहाँ हम जिसकी वायदा किया गया था वो आया जो ज्ञान की आत्मा से पूर्णता पूर्ण रहता वो आया नहीं है वो शांति का राजकुमार राजकुमार जो स्वर्गीय ज्ञान से भर के आता जो स्वर्गीय समझ लेकर आता वो शांति का स्रोत बनकर रहता नहीं है ये बात हमने देखा हम पिछले दिन और भी पढ़े थे 119 से हम पढ़े थे कुछ कुछ बात पढ़े थे नहीं है हम उसमें 99 पढ़े थे वो तो स्वर्गीय ज्ञान कैसे प्राप्त करने का ये बात हमने देखा नहीं है स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके वचन को मनन करना नहीं है उसके वचन से प्रीति रखना है जो उसको वचन को पकड़ के रहता मनन करता उसे प्रीति रखता वह अपने दुश्मन से अधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान बनता पुरानियों से भी अधिक बनता नहीं है ये बात हमने देखा ये बुद्धि ये ज्ञान ये समझदारी किसके कारण है उस परमेश्वर की वचन और नियमों के ऊपर प्रीति रखने के कारण है यीशु स्वयं परमेश्वर का वचन है उसका नाम ही है वचन नहीं है तो वो शांति का सोता है ये बात हम वहां से सीखते हैं आज भी हम 119 में पढ़ा आज 119 में कहता है कि great understanding have they who love his laws और आज कहते हैं great peace have they who love his laws उसका वचन से प्रीति रखने वाले को सिर्फ ज्ञान और समझदारी नहीं है ज्ञान और समझदारी प्राप्त करोगे आप शांति के नदी के किनारे पे सोओगे विश्राम पाओगे स्वर्गीय ज्ञान और समझ को अपनाओगे तो आप परमेश्वर के शांति के नदी के किनारे पे आप विश्राम पाओगे ये बात प्रभु हमें समझाना चाहता हम आज एक चौथा वचन पढ़ाते नहीं है चौथा वचन पढ़ाता सॉरी और फोर्थ चैप्टर वही सही है फोर्थ वचन पढ़ाता आपको वहां नहीं जाना आपको बहुत अति शीघ्र आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ वहाँ स्टेज भी है वो देख के कुछ लोग खुश हुआ है लेकिन इतना जल्दी वो शुरू होने वाला नहीं है इतना खुश हो के फायदा भी नहीं पिछले इतवार को सब लोग सोचा कि अरे शायद ये बुढ़ा नहीं खड़ा है होगा किधर होगा मैं जितना बात करता हूँ उससे 15 मिनट ज्यादा दुरुस्त बना पाया ये लोग सब ऐसा हो गया आपको जल्दी जाने के लिए आगे खड़े है हमारा समय है और समय तक चले ठीक है आप कितना कुछ नहीं बोला वहां कहता है अनेक लोग ऐसे पूछता रहता अरे क्या बनाई है तुझने तूने क्या पाया है नहीं है ऐसा पूछता पूछता मैं भी अपने आप से सवाल करता नहीं मैं भी देखता कि कुछ हुआ नहीं है कुछ तो हुआ है बाकी लोग तो बहुत आगे निकल गए बहुत लोगों ने बहुत सारा संपत्ति अपनाया है बहुत कुछ हुआ है कौन क्या भलाई दिखाएगा ये सब पूछता नहीं है मैं क्या कहता मैं परमेश्वर की ओर देखता मैं उसकी ओर देख के रहता और मैं उसका कहता प्रभु तेरा चेहरा चमका तेरा चेहरा चमका तेरी चेहरा चेहरा मुझ पर चमका हो देखो मैं बाकी सारे लोगों से अलग करके रहूंगा तेरी अलग किया वो भक्त दुनिया से अलग है इसलिए मूसा ने कहा मैं तृप्त नहीं हूं तूने जितना चिन्ह चमत्कार मेरे ये बलिष्ठ हाथों से ये कमजोर को मैं बलिष्ठ करता हूं परमेश्वर का हाथ है तूने दिखाया मैं तृप्त नहीं है फिर को तूने मेरे सामने घुटने पे लाया तो भी मैं तृप्त नहीं हूं ऐसे कोई परमेश्वर का दास है एक ही मूसा है मैं तृप्त नहीं है वो कहता तू चिंता मत करो असलियत में मिखाइल को ही भेजेगा मैं हार लड़ाई तुमको जिताओगे मैं तृप्त नहीं है फिर क्या चाहते हो मुझे तेरा चेहरा देखना है मेरी चेहरा का चमक देखनी है आमीन आमीन नहीं है
तो परमेश्वर के दास कहता है तेरा चेहरा तू एक बार छक्का दे ये लोग क्या सवाल करते मुझे नहीं सुनना उसको उत्तर देने के लिए मैं नहीं आया मेरा प्राण कितने सवाल मुझसे करता उसका भी उत्तर मैं नहीं देना चाहूंगा तेरा चेहरा का ज्योति मुझ पर आते ही मैं बड़ी शांति से लेटूंगा और सोऊंगा मैं बड़ी शांति से लेटूंगा और सोऊंगा ये समझ की आंखें खोलने के लिए ये स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें आह्वान दिया जब हमें ये पता चलता है कि वो है हमें शांति से सुनाने वाला वो है हमें विश्राम दिलाने वाला ये बात आपको पता चलता है फिर वो हमारी ओर देख कर कहता उनका संपत्ति बढ़ गया उससे अधिक नहीं है उसने इतना फसल काटा उससे अधिक डाक मधु इतना मधी सामान बेच ले उससे अधिक अधिक आनंद नहीं है अधिक गुना बहुत गुना आनंद तूने मेरे हृदय में दिया है ऐसा परमेश्वर का दास कहते हैं नहीं है और उसके बाद 37 में चले गए थे नहीं कहते क्या 37 और 7 का जितना कहता हमें मैं बात पढ़ रहा हूँ आप लोग करो यहोवा के सामने चुपचाप रहा और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर परमेश्वर के दास कहता चुपचाप बेवकूफी से चुपचाप रहने से कुछ नहीं होता नहीं प्रतीक्षा करके चुपचाप आमीन अब तो चुपचाप रहता आशा में बने रहना अब चिंता मत कर मेरा मेहनत से नहीं मेरा कड़ी परिश्रम से नहीं परमेश्वर के स्थान से होता आमीन इसलिए मुझे क्या करना इसी कठिनाइयों में ऐसी परिस्थितियों में वैसे सवाल चारों ओर से उल्टा मेरा मन मुझसे सवाल करता तब मुझको परमेश्वर में चुप रहने को सीखना है आमीन नहीं है आमीन मुझे उसमें विश्राम पाना प्रतीक्षा नहीं छोड़ना ऐसे प्रभु का वचन कहते हैं तो आप लोग जाके पढ़ो 11वां वचन पढ़ो परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे नम्र लोग अधिकारी होंगे प्रभु ने अधिकार दिया आमीन वो अधिकार तो पूर्णता में अपनाने के लिए हम मुझ में ऐसी नम्रता होनी है और ऐसी शांति बना रखना ऐसी शांति कौन पाता नहीं पाता जिसका बड़ा वसीला है वो नहीं पाता जो बहुत ज्यादा वचन जानते वो नहीं जानता लंबा चौड़ा भाषण देता वो नहीं गीत लिखने वाला भी नहीं है गीत गाने वाला भी जैसे लोग और प्रभु को अपना आश्रय मानकर स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर होने के कारण वो ये जानता है हमें स्वर्गीय ज्ञान और समझ इसलिए दिया जाता है कि प्रतीक्षा है काम हो रहा है मुझे विश्राम करना हमें 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 नहीं हमने बाद में इधर उधर से सब पढ़ा आपको पता चला जब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा तब तक प्रभु उद्धार नहीं कर सकता ये बात हमने देखा हम आगे बढ़ते हैं उसका सही पढ़ना है क्या हाँ खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है अंत अच्छा हो हाँ मेल से रहने हाँ मेरा पीस will have a glorious finish उसका अच्छा होगा बहुत इसे लड़ने वाला चिल्लाने वाला चालाक बने बनकर रहने वाला शूट मैन स्मार्ट मैन नहीं है नम्रता में प्रभु का बाट जोते हुए प्रतीक्षा में बाट जोते हुए प्रभु में विश्राम पाने वाला लोग शांति में बने रहने वाले लोग शांति बना के रखने वाले लोग अधिक गंभीर राइट वर्ड अति खूबी से उसका दौर को पूरा करेंगे अंत में आशीष की भरपूरी होगी ऐसा परमेश्वर का वचन कहता नहीं 40वां वचन क्या कहता यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता यहोवा करता वो जोता वो विश्राम करता वो नम्रता में प्रभु के सामने झुकता और ये ज्ञान और समझदारी के कारण प्रभु में वो बना रखा वो परमेश्वर के हृदय की बात को जान कर परमेश्वर के वायदाओं को नहीं भूल कर विश्राम पाता विश्राम आराम प्रभु में शांति प्रभु की
कोई से वाक्य रहता आप 46 में आता इसको पर भाषण देगा तो आप भी करा जाएंगे, बोले के बंद करो, क्योंकि 46वां अध्याय बैहाट है। ऐसे तो सारे वचन बैहाटी आप लोगों को, मुझको ही तकलीफ है। सुनामी होता, तूफान होता, बवंडर होता, लैंडस्लाइड होता, यहां पर भी देखो गर्जने वाली लहरें हैं, डराने वाली गर्जन है, लेकिन परमेश्वर का भक्त एक शांति के नदी के किनारे पे आराम कर रहा है। आमीन, आमीन। एक नदी है आपके लिए और मेरे लिए है, स्वर्गीय ज्ञान और समझ प्रभु ने हमें इसलिए दिया कि हम समझते हैं मुझे डुबाने के लिए योर्दन में बारह तत्व, मेरा नदी योर्दन नहीं है, परमेश्वर के सिंहासन से मेरे लिए मुहाया गया है एक नदी, वो शांति की नदी है, उसके किनारे पे मैं भी श्राप करता दुनिया वाला ये योर्दन को देख कर डरता, समुद्र के गर्जन से डरता, मेघ की गर्जन से डरता, भूकंप से डरता, प्रभु मुझको स्वच्छ जल के नदी के किनारे पे सुलाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, There is a river, मैं एक नदी है, हालेलुया, हालेलुया, उसके किनारे पे विश्राम है, आमीन, वो स्वच्छ जल है, शांत बहने वाली एक नदी है। इसलिए 23वां अध्याय में 23वां वचन में कहता है वैसे जल के पास मुझे ले चलता, यॉर्दन में से बकरी नहीं पी सकता। पता आपको कई बार बताया मैंने, तेज गति से भागने वाले नदी से ये जानवर भेड़ बकरी नहीं पीता, पी नहीं सकता, तो चरवाहा उसको ऐसे लेके जाता है, बड़ी शांत नदी के किनारे में ले जाता, पिलाता और सुलाता। अमीन, हालेलुया। एक नदी है वहां विश्राम है, वहां शांति है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हम बचपन में आता तो बात कुछ अलग है, गंभीर समस्याएं है, इतने सारी समस्या है, इतने सारे विरोध करने वाले लोग है, उसका दिल चाहता कि एक कबूतर के समान उसके पास पंखे होता, पक्षी समान उसके पास पंखे होता, उड़ के जाके वो विश्राम पाता। ऐसा लिखा होगा चटवा वचन है, चटवा वचन है, चटवा वचन। तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के ऐसे पंख होते, मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। कितने बार हम चाहते हैं ऐसा, फ्रॉम दिस स्ट्राइक, फ्रॉम दिस स्ट्रेस, from this tension, yes, from this fret, how I long to fly away and rest. Yes. मेरे जीवन में सबसे पहले मैंने जो इंग्लिश गाना गाया वो ये था, I will fly away. I'll fly away, oh glorious I'll fly away when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. तो छोटा लड़का 10 बरस का लड़का से ऐसा गाना गवाया उसका पहला भाई। मैं मालूम क्या था, मैं उड़ के चालू किया, मुझे वो गीत बहुत पसंद था, अभी भी गाता, what a blessed assurance. ना जीवन की समस्या है, ना मृत्यु का डर, हमें मेरे विश्राम को छोड़ेगा, हमें मेरी शांति को नहीं छोड़ेगा, हमें दिव्य शांति और विश्राम प्रभु की ओर से मेरे लिए भेज दिया गया अनुग्रह है। हमें यह समझता ही मुझको बलवंत बना था, ये ज्ञान मुझे सामर्थ्य बना था। आगे बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं उधर सब करा लेने को दिल करता, लेकिन स्टेज है और बहुत कुछ वचन है, तो मैं आगे बढ़ता, प्रभु कहता है तेरे पास है, क्या है, कबूतर से बढ़कर पंखे है, हमें उकाब के पद पर नहीं है, पिछले
दिन अपनी मुख पड़ा नहीं है। आमीन। युवक श्रमित होंगे, बालक गिरेंगे, मेरे लोग उपकार की पंखों के जैसा उड़ेंगे। नहीं है, नहीं है, मानते हैं कबूतर की नहीं है, नहीं, वो एक मील नहीं उड़ सकता। हमें हमें है, मेरे लिए पंखे दिया गया है, मैं उसके भीतर नहीं रहूंगा। I will fly above the wheels, I will fly above the roaring tsunami, I will fly, I will fly over land and sea। वही दूसरा गाना, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ते रहूंगा समस्याओं को ऊपर से, पहाड़ जैसी पृथ्वी को ऊपर से, तैराने वाली बरसाने वाले मेघ को ऊपर से, मैं उड़ूंगा। भाग्य दिया गया है, मुझे इच्छा की भाग्य है, आशा की भाग्य है, शांति दादा ने मुझको दिया है। अमीन, अमीन। हाँ, क्या बातें करते हैं, सब आपको बल मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। आपसे 116 में आता है गलती हम लोगों का। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। उसका तीसरा वचन मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक के सकेती में पड़ा था। ये है उसका हाल, फांसी का फंदा लगा हुआ है और अधोलोक के डर से वो भयभीत था। नहीं है, ये उसका हालात था। उसके बीच में शादी की क्या बात है, विश्राम की क्या बात कहे। पत्रस को पूछो, पत्रस को पूछो, मैं जानता हूँ, पत्रस का जब मैं जानता हूँ, कल मेरा वध होने पर है। हमें ऐसी छोटी सी कमरे में जेल में मैं ऐसा करा हो, लेटता नहीं है, लेटने को जगह नहीं है, और चारों ओर से बांधा हुआ है, लेकिन कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ ग्रोथ सॉन्ग
But now, I find it too hard to rest again. तो आत्मा मन को कहता है तूने पहले किया था ना वही दोबारा करना दोबारा करना ये भगवान है आज ये भगवान मेरे लिए है सब एंटर इन टू माय रेस्ट अगेन मेरे लिए श्राम एंड रेस्ट कर आज प्रभु की आत्मा आज आह्वान दे रहा है सावित्री से पहले स्वर्गीय आत्मा स्वर्गीय आत्मा चिल्ला चिल्ला कर मुझको और आपको मेहनत नहीं परेशानी नहीं तकलीफ उड़ाने वाली बात नहीं चिंता का बोझ नहीं विश्राम प्रभु के पाहों में मैं लेटूंगा और सोऊंगा मैं तो दावे में पहुंच जाता मैं जाऊंगा बड़े बड़े मैंने ये सारे परिश्रम किया तू क्या बांधते बांधते उठता है तू क्या जागते जागते प्रभु उसके प्रिय को गहरी नींद देता आपको भजन में क्या लिखा है वो अपने प्रिय को यो ही नींद प्रदान यो ही नींद प्रदान करता हमें पुराने लोग उसके भजन में देखते ऐसा नहीं लिखा ऐसा नहीं लिखा ऐसे देखते कई बार बोला तो भी उन्होंने देखेगा का उसका भाषा है ना उसका भाषा में लिखा है प्रभु उसको नींद में देखता वो अनुवाद में तो गलती हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु उसको गहरी नींद देता यो ही नींद देता ये प्रभु का आग्रह है प्रभु का वरदानों में सबसे श्रेष्ठ वरदानों में एक है ये कैसे होता हमने देखा उसका स्रोत यीशु स्वयं है जो परमेश्वर का वचन है नहीं ये बात देखकर हम आगे बढ़ता अबे उत्पत्ति में जाना है कोई नहीं जाएगा मैं जाऊंगा तो उत्पत्ति तो मेरे लिए परमेश्वर ने सारा काम किया सारे सृष्टि का काम हो गया सारे क्रिएशन हो गया नहीं है फिर वो विश्राम किया वेल हेवन रोज इट इज फिनिश्ड टाइम फॉर माय रेस्ट हैज बिगन अमीन स्वर्ग चिल्ला कर कहता सब पूरा किया गया तब मेरा विश्राम का दिन शुरू हो गया ये होशू ने नहीं कर सका तब नथिंग वाज फिनिश्ड थिंग्स वर जस्ट बिगन टू हैपन अमीन परमेश्वर के उद्धार के काम का शुरुआती हुआ था हमें लेकिन एक व्यक्ति ने परमेश्वर का पुत्र स्वयं क्रूस पर से चिल्ला कर कहा अब सब कुछ पूरा हो गया सारा काम हो गया तो विश्राम का दिन आ गया है विश्राम का दिन है प्रभु यस हमें हाँ प्रभु ने कहा यह शब्द है काम हो चुकी है नई सृष्टि बनाया गया है हमें नई सृष्टि के प्रगति के लिए दंड पूरा करने के लिए सारे चीज की प्रबंध हो चुकी है ऐसा भद्रस करता पौलुस करता परमेश्वर के संत लोग कहता जीवन विशुद्ध के बैठे हुआ थे तब गरीबो उन्नत भाव विचित तब गरीबो एक स्थान देखते वाले भोजन तब गरीबो हमें अंग्रेज विज्ञान विश्रमिक के नाम यहोवा प्रभु चाहता कि मैं विश्राम और वो कहता है वो विश्राम को प्रभु ने आशीर्वाद किया ये रेस्ट विल बी ब्लेस्ड सच द लॉर्ड जब मैं प्रतीक्षित होकर प्रभु में आराम करता वो आराम के ऊपर प्रभु की आशीष है When I struggle, I forfeit this blessing. When I strive hard on my own strength, मैं उसके अनुग्रह को नष्ट करता मैं जब कभी मेहनत करता मेरी बुद्धि मेरे समझ मेरे युक्ति के अनुसार में मेहनत करता तब जो बंधन है वो और दृढ़ होते जाता नहीं है प्रभु का अनुग्रह ये विश्राम के ऊपर जो कोई प्रभु में विश्राम जो कोई पागल की तरह अपना चिंता छोड़कर स्वर्गीय शांति को अपनाता उसके विश्राम के ऊपर प्रभु का अनुग्रह अमीन प्रभु का अनुग्रह है ऐसा वाक्य है अमीन नहीं है अमीन हम नरकवर का पुस्तक में जाता तो कहते तुम्हें ये करना अमीन यू मस्ट ऑब्जर्व दिस सबत नहीं है अमीन सबत परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया यहूदियों के लिए सातवां दिन रश करने को बोला लेकिन प्रभु ने आनंद कार की सबत की तैयारी हमारे
हमें हमारे लिए जो विषय की तैयारी प्रभु ने किया उसका एक परछाई है यहूदियों का विश्राम दिन। हाँ, ये विश्राम तुझे जरूर विश्राम करता। It's not that when you are tired, you may come and rest. It's a near. जब तू श्रमित होगा तो आके तू थोड़ा देर आराम कर सकते, ऐसा नहीं है। विश्राम करना एक आह्वान भी नहीं है, आज्ञा। आमीन। आज्ञा है। यस लॉर्ड। विश्राम करना एक आज्ञा है। आमीन। यीशु विश्राम करतु वंदु विश्रामी क्या ये नांति के बेगम बंदो आवलोली क्यूगा जानानुसारी चावने आग्वान ही आग्या है। अब मैंने माना ऐसा गिद कर देता उसने आग्या दिया आओ विश्राम करो। मेरे उसका आज्ञा को माना। ऐसा परमेश्वर का दास गाता है, कहते तुझे करना है, ऐसा करना है, सब काम से छुट्टी लेते हैं। जैसे हमारे केरल का लड़का लोग कहते हैं नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, चुप, नौकरी पे लगे लंबे छुट्टी पे जाने का और आराम कर। ये काम से छुट्टी लेने वाली बात ही नहीं है। Yes, Lord. मैं जो बात करता हूँ, जो वचन पढ़ता हूँ, ये भौतिक बात है ही नहीं, भौतिक आशीष है। मेरे तुमने सोच का कुछ लोगों का लगता है कि 7:30 को लेटना है और अगले दिन 7:30 को उठना है, ये नहीं है। Yes, Lord. अपोलो में से खतियों ने चक्र मुंडो तोड़ो। मैं बार 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 ये गीत गाता मेरी माँ बोलते मेरा पास नहीं लगा ना कुछ उसे कोई गला नहीं है, मुझे गला बहुत पसंद है। मैं बार बार गाता रात को भी मेरा रक्त आगे बढ़ता है, रक्त काल में ये ना धाने बढ़ेगी, अब समस्याओं में ये ना धाने बढ़ेगी, तराजू में से होकर ये रक्त आगे बढ़ेगा। यस लॉर्ड। यस गुस्सा तो क्या काम से करते मैं तो क्या अभी तो नहीं बोले कहा आगे बढ़ो इसको लेके जाओ कितने लोग है भाई क्या मैंने जन पाया क्या उसने पूछा उसको परमेश्वर को उत्तर ही नहीं हां उसने पूछा प्रभु को परमेश्वर के मुंह को बल करने वाला मूसा फाटा दिया ऐसे रिश्ता बनाएगा तो आप नहीं कर सकता। तुम क्यों कहते हो मुझको इन लोगों को लेके घूमने को मैं थक गया। प्रभु कहते जितना मत करना मैं तेरे संग चलूंगा तो तू विश्राम करेगा। विश्राम काम पहुंचा रहा है उसके लिए नहीं, विश्राम जिम्मेदारी बहुत है उसके लिए, सॉरी उसके लिए नहीं, अविश्राम। अविश्राम शब्द क्या अविश्राम शब्द है हिंदी में आए तो नहीं तो बनाओ ठीक है। अविश्राम मेहनत करने से नहीं मुझे आराम नहीं मिलता, प्रभु के संग चलता तो मैं उसके बाहों में विश्राम पाता रहूंगा। मुझे कहते कि छुट्टी लेना है, मुझे कहते जिम्मेदारी तेरा कम करना नहीं है, मैं तेरे संग चलूंगा तो अवस्था कुछ भी क्यों नहीं हो, परिस्थिति कुछ भी क्यों नहीं हो, तेरे लिए विश्राम है। आमीन। आमीन। हां प्रभु। कितने बार मैंने ये कहानी आपको बताया है कि एक बार मैंने मेरे जर्मन बॉस के साथ एक टच के लिए गया, कितने बार बताया नहीं यार, ये टच के लिए मैं जाता तो मेरा हृदय ठुक 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 होता, नहीं तो आप इधर हाथ रखेंगे तो लगेगा कि ये बंद हो गया, इधर कुछ होता नहीं है, जो नहीं होता मुझे बता दो, बाकी लोगों के तरह क्यों चुप चुप होता ना, उधर कुछ नहीं होता, एकदम कोल्ड हार्ट है, बिल्कुल कोल्ड हार्ट है, ठीक है, इधर चुप चुप होता है। लेकिन जब मैं टेस्ट के लिए होता होता तो करोड़ों 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 रुपए की बात है, मेरा नहीं कंपनी का तो भी, लेकिन एक दिन जब मेरे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट का ये इक्विपमेंट का पूरा डिजाइन उसका है उसके साथ भी जाना, मेरा बॉस बोलते तेरा छुट्टी है, मैं बोला क्या छुट्टी है, एक दिन छुट्टी नहीं मिलता, अब ऐसे सब मजाक करते हैं, नहीं रे मेरा बॉस ऐसे मेरे से बात करते क्या करेगा, आप लोग बड़ा अच्छा रिश्ता है, कारे बुरे सब था हमारे साथ, नहीं रे बुरी किता
अभी है ना अभी तो इनको क्या करना है वो रहा वापस उसी में भी श्राम आपको खुशी देने के लिए लेकिन मैं रुकू कर हमेशा में आता आया इसकी चर्चा हो रही थी वो आया है परमेश्वर का पुत्र यीशु आया है वो शांति का राज कुमार है मालिक का होगा मैं जल्दी जल्दी जाता मालिक का होगा उसकी शांति का कोई अंत नहीं होगा नहीं है शांति का राजकुमार है ये भी नहीं है उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा आनंदित पीस सीसलेस पीस ये प्रभु का वायदा अमीन परमेश्वर की वायदा है नहीं है हम आगे बढ़ते वहां से आगे बढ़ते हैं और सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है वह चैन है जो लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं आप विश्राम पाओगे विश्राम पाने के लिए आओ शांति दूत के पास आओ नहीं आएंगे निश्चिंत रहेंगे बड़ी शांति से रहेंगे ये बात सब सुबह पढ़ा था इसके लिए मैं ऐसे आगे अति शीघ्र बढ़ना चाहता नहीं है आप 26 में आता टीचर जिनका मन तुझ में धीरज धरे उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा हो पूर्ण शांति पूर्ण शांति सबके लिए नहीं है जो धीरज जोड़ते हुए प्रतीक्षा में बना रहता उसको थोड़ा थोड़ा शांति नहीं है पूर्ण शांति आमीन आमीन रूप रूप दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू एंड आमीन यस यह स्वर्गीय योजना है आपके लिए मेरे लिए आमीन अनेक चीजों के कारण अनेक तरह के बोझ के कारण दबे हुए इंसान संघर्ष भरी जीवन में परमेश्वर की योजना मेरे लिए आपके लिए यह है स्वर्गीय शांति संपूर्ण शांति सदा निरंतर बने रहने वाली शांति ये परमेश्वर के हृदय को खुलासा करने के लिए इतना बड़ा बड़ा तेरे बड़ी आग से भस्म हो गए हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा तू शांति ठहराने वाला शांति को ठहराने वाला नियुक्त करके रखने वाला स्थिर करने वाला परमेश्वर है मैं मेरे शांति को तोड़ने का प्रयास करूंगा तो परमेश्वर जो वो कहता तेरे साथ मेरी शांति की जो वाचा है वो कभी नहीं टलेगा नहीं है पढ़ा था पढ़ने वाला शांति को तो स्थिर करके रखेगा नहीं है हम तीस का मंत्र पढ़ता प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यह कहता लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है परमेश्वर कहता है लौट आ यस इसलिए संगीतकार कहता दोबारा विश्राम पाओ यस लौट आ आराम कर मुझ में बंधु विश्रामी क्या आकर आराम करो मुझ में जगह बनाया है हृदय को छेद कर तेरे लिए बेडरूम बनाया है विश्राम कर मुझ में आराम करने के लिए विश्राम करने के लिए परमेश्वर के समाधान करते शांति को अपनाने के लिए प्रभु का आह्वान और आज्ञा है लेकिन इधर तो लोग बड़े होशियारी दिखाते हैं बड़े हिम्मतवान बनकर बहुत कुछ करते हैं बड़े वीर शूर दिखाई देता प्रभु कहते मुझ में विश्राम करना ही तेरी वीरता है तू मुझ में पागल की तरह बेवकूफ की तरह मुझ में शांति धर कर विश्राम करोगे तो मैं तुझको लड़ाई जीतने वाले संसार के राजा लोगों से अधिक वीर मानूंगा मेरी वीरता उसमें है
मुझे लगा कि मुंह थोड़ी जवाब जवाब देने में मेरी वीरता है। दुनिया वालों को चुनौती देने में मेरी वीरता है। लेकिन प्रभु कहते तू शांति मेरे शांति पाकर मुझ में आराम करो। प्रभु के लिए तू वीर है, अमीर है, उसी में वीरता है तेरा, उसी में सामर्थ्य तेरा। ऐसे प्रभु तुम अच्छे था। यस सर। नहीं पति में जाना। यस 17-18 धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। प्रभु ने ये ज्ञान और समझ हमें दिया। जैसे कृपा से हमने पढ़ा परमेश्वर का पुत्र उसके ज्ञान से अनेकों को धर्मी ठहराएगा। धर्मी ठहराएगा उसके ज्ञान से। हम धर्मी है। ये ज्ञान हमने प्रभु से पाया। अगर ये ज्ञान और समझ मैंने पूरा पूरा प्रभु से पाया है तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा शांति और विश्राम। प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया। यहाँ लेबर लग के चलने के लिए नहीं है। प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया ताकि मैं प्रभु की शांति को पूर्णता में अपनाए और प्रभु में विश्राम करो। ऐसा प्रभु को वचन करना है। उसका फल वो होगा, उसका परिणाम वो होगी। हमारे बढ़ता हम चौपट में आता वहां करते मेरी शांति का वच। मेरी शांति का वच कभी नहीं टलेगी, कभी नहीं टलेगी। अम्मी कुछ कुछ भी हो जाए, आसमान हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, मेरे तेरे साथ शांति का वचन पाया। अमीन। जब मैंने सृष्टि की पूर्णता किया तब मैं तुझे विश्राम दिलाया था। अमीन। एदन की बगीचे एक नदी है, चारों ओर होकर भरते हैं किनारे पे। मैंने जो वाचा बांधा है वो अभी भी बना रहता है। परमेश्वर का कभी की सपना कहते हो कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टलेगी। ऐसा प्रभु का वचन देता हम बचपन में आता 12-13 तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम पहुंच जाए जाओ। अमीन। इनी नॉट दैट तू सारे चीज छोड़कर ए लोगो पर वेले जरा ना क्या रे जरा ना पास्टर आने जो हर गले जाने हलो ने अमीन के मुंह के नीचे हुआ। प्रभु कहते नहीं है, तू लक्ष्य स्थान पे पहुंच जाया जाएगा। यानी एक लोग बेयत कुलचे कष्ट पेट बुद्धि मुट्टी और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते पर कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए, वह शांति को पहुंचता है। आंधी गली में भी प्रभु विश्राम दिलाता है। कटी आपत्ति की सामना करने से पहले बहुत दिल तोड़ने वाली बात ऐसी घटना जीवन में होने से पहले प्रभु अपने भक्तों को विश्राम दिलाता है। हमें हमें प्रभु ये वचन मेरे हृदय के दिल के करीब है। मैंने मेरी माँ को कहा कि बहुत कम उम्र 53 उम्र में मैंने मेरी माँ
कभी एक दूसरे शहर में कभी भोपाल में था, कब मैं आराधना में तो ये सब बात आप जानते हैं, आराधना में क्या हुआ ये सब मैंने कई बार बताया। तो होटल में आया तो मेरे लिए संदेश है, मैंने प्रभु का मुख खोजा और मेरे सामने ये वचन आया। तो रिसेप्शन में हुआ है ये बात कर, मेरे कमरे में गया भाई उठा ये पढ़ा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, खूब खूब धन्यवाद दिया। मैं घर में फोन करके बोला कि आप चिंता मत करो, सौदा करना तो कर लो, मुझे कोई बोझ नहीं है। प्रभु ने सही समय पर उसको विश्राम दिया है, मेरे लिए बोली रखने का जरूरत ही नहीं आया, मैं वहां मिल लूंगा। शादी की वाचा प्रभु ने बांधा है, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, प्रभु कहता हमें वो जानता है ये देखने के लिए कि मेरी शादी की मेरे साथ जो बांधा हुआ वाचा है वो कभी ना ठहरे, कभी ना टूटे टूटे। आप ऐसा जिनमें फिर भी हम जानते हैं सुलसत्रा कहता आपको थोड़ा पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। हाँ एंशिएंट वेज को, हाँ हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन, पौलुस और पत्रस मूर्ख इंसान नहीं था, परमेश्वर के संत लोग पवित्र औषधता ये मूर्ख नहीं थे। बाबलोन को छोड़ो, बाबलोन से छोड़ कर आओ, अशुद्ध भक्त को छुआ मत, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बने रहना, ऐसे अफवाह देने वाला संत लोग बेवकूफ नहीं थे। आज के महान लोग कितने भी अक्लमंद क्यों न हो लेकिन बेवकूफ नहीं थे। उनके लिए प्रभु ने जो मार्ग की तैयारी किया था उसमें से वो चल के आया, तो प्रभु कहते वापस जाओ वही मार्ग में से चलो, विश्राम पाओगे। शरीर को आत्मा नहीं मिलेगा तो भी आत्मा विश्राम पाएगा। अमें शरीर की बात प्रभु कहते ही नहीं है, गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, गो बैक टू द एंशिएंट वेज, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहता पवित्र शास्त्र की ओर पीछे मुड़ कर बढ़ो, ऐसे राहों को खोजो, तब क्या होगा, तब तुम चैन से रहोगे, चैन से रहोगे, आगे बढ़ पाओगे। अमीन। मत्ती में आता कितने जल्दी मत्ती में आया देख, हाँ जैसा तो ये मत्ती के आगे भी वचन है, मत्ती में तूफान है, हाँ बवंडर है, बवंडर है, जानते कहानी आप नहीं है, सब लोग जानता सोने वाला एक ही है, यस यीशु सोता है, बवंडर पे भी लोग चिल्लाता है फिर भी नहीं जाता, यस ऐसे होता कुत्ते नहीं है। इसके लिए पत्रस वध की सजा चलाया जाने के पहले रात को सोया, इसके कारण पौलुस ये बात जानकर पौलुस ने कहा तेरा मन ये जहाज डूबेगी थोड़ी, कोई भी नष्ट नहीं होगा, किसी को हानि नहीं पहुंचेगा, ये सिखाता प्रभु। अबे बावंडर को बुलाया उसने, लहरों को गरजाया उसने, और जरा लोगों को कहा ये परमेश्वर का पुत्र की शक्ति है। अमीन। ये परमेश्वर के पुत्र की शक्ति है, यीशु की शक्ति है, दुनिया की शक्ति नहीं, दुनिया की शक्ति ऐसा नहीं, बहुत शांत एक तालाब में, बहुत सुंदर बोट में, कोई रेसिंग नहीं, आराम से लोग बुलेट पे जाते रहते हैं। ये शांति
मेरी शांति ऐसा है। आमीन। चलो लोग इतना कहा मेरी शांति ऐसा है। आमीन। मैं मृत्यु का मैं स्वर्ग दिए ले हो एंड द वर्ड ऑफ मसीह की वाला तू तो तू मेरे ठिकाने है। आमीन। और बात मत करो तू मेरे लिए तेरे लिए घर है। आमीन। लोगों को लगता दैट आई एम इन अ रॉकिंग बोट। ऐसा लोगों को लगता कि अब डूबने वाले नाव में मैं हूं लेकिन मैं चट्टान पर हूं। आगे बात ये अच्छी बात अभी तक अच्छा बात का नहीं लगता है नहीं आया उसका प्रभु कहता मैं तुझे शांति देने के लिए आया ही अब तक शांति ब्रदर ने जो कहा वो सब गलत कहा। अच्छा यीशु कहता मैं मेरा नहीं आया क्योंकि उसको लगा मैंने इतना बात किया तो मुझको और आपको ये समझ में आया कि कोई समस्या नहीं सब ठीक ठाक है और मैं आराम से चलूंगा सारे लोग वाह 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 करेगा सब लोग हैंड उठाएगा ऐसा मैं सोचा सोचो हाँ लेकिन कहते मैं तुझे ऐसे शांति दे रहे नहीं मैं आया हूँ मैं तो तलवार लेकर तलवार नहीं आया हूँ ऐसे रिश्तावों को छेदने के लिए मैं आया आया मुझसे अलग करने वाला मुझसे ज्यादा प्रेम अगर पिताजी से माँ से भाइयों से है तो भी मैं उसको छेद कर टुकड़ा कर देगा नहीं है तुमको मैं अलग करूंगा मेरे लिए अलग के वो इंसान तुम हो आमीन। समस्या कुछ भी हो तू झुकेगी नहीं देयर इज नो रूम फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज आमीन। मेरे आदरणीय पास्टर लोग ये सुनने दे प्रभु का वचन में कॉम्प्रोमाइज के लिए जगह नहीं रखा है। वो लोग मिलकर कहते कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो तू कौन सा विश्वासी है चिल्ला चिल्ला कर मैं कहता यहां से कोई नहीं सुनता तो भी मैं कहता God has never provided for a compromise in his eternal word। उसके सनातन वचन में उसके लिए एक जगह रखा ही नहीं है समझौता के लिए कोई जगह अबे समझौता के लिए कोई जगह नहीं है। उसको सूर्य उठाकर चलना ऐसा भी उसमें लिखा होगा शायद जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं है। क्रूस उठाकर जाऊंगा मैं गीत गाओ ओके समझिए क्रूस उठाकर यस चलूंगा। अगर क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे क्यों नहीं है मेरे अच्छा क्रूस पहन के रखूंगा वो बात असेंबली से गौर करके चर्च है मालूम है ना बहुत बड़ा चर्च है। उन्होंने केरल में बहुत सुंदर चर्च बनाया कहा जाता कि पेंटेकोस्ट चर्च में सबसे सुंदर मकान वो है उसका तस्वीर मेरे कल दिखा। अच्छा पूरा सर्कल में है मेरे बाप का बॉस का घर भी पहले चुने जमाने में ऐसे सर्किल था सर्किल में और क्या सर्किल में है और सेंट्रल होटल देखा है पहले जो नौ जमाने का नहीं देखा तो चोरो ना ऐसे एक सर्किल में बना और सर्किल में ऊपर एक लाल रंग का क्रॉस भी है। मैं बना रहा असेंबली तो कहा है कितना बड़ा क्रॉस है बहुत मजा आया कल तक उसको गाल में छुपियो तो मैं वो नहीं कहता कि इतना बड़ा सुंदर एक मकान है वो क्रॉस की बात नहीं कर रहा गले में बांधने वाली क्रूस की बात नहीं कर रहा। दिन व दिन प्रभु के अपमान सहकर निंदित होकर कुड़कुड़ाए बिना हमें ये मेरे सूली उठाकर मैं चलूंगा आगे बढ़कर यीशु कहता सूली उठाने का अर्थ मैं तुम्हें समझाता तू मेरे पास आ सेवित है तो मेरे पास आ कहता ग्यारह में कहता तू मेरे पास आ सेवित हुए लोग तू थक गया मुझे बताए मूसा ने भी कहा था थक गया लेकिन मैं मूसा को अति शीघ्र चलाया एलिय्याह ने कहा थक गया मेरे वाला नहीं
मैं तुझे चलाऊंगा। नहीं है, नहीं है, भगाऊंगा कहा, नहीं है। कहते तू श्रमित हो मेरे पास, मेरे पास आएगा तो बहुत अच्छा डंडक का बिस्तर की तैयारी, नहीं और दो तीन नींद की गोली भी है, आराम से तू सो सकते हो। हाँ, जुआ उठा, व्यास जुआ उठा, मैं तेरे संग चलूंगा तो विश्राम पाओगी। अम्बे उसे तो मैंने यही कहा था, मैं आपको कह रहा था इस कंधा मेरी जुआ उठा कर चलोगे तो विश्राम पाओगी, नहीं तो विश्राम नहीं नहीं है। आलसी पद में नहीं विश्राम, बेकार बैठने में नहीं विश्राम, कुड़कुड़ाने में नहीं विश्राम, विश्राम यीशु के संग जब जुआ उठा कर मैं चलता तब विश्राम पास। आमीन आमीन। मैं चित्रकार बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत सारी चीज नहीं आता। आज सुबह मैंने कहा ना, मुझे बहुत सारी चीज नहीं आता, मुझे वाद बजाने नहीं आता, मुझे चित्र बनाने नहीं आता, मुझे नाचने नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। आप लोग अच्छा तो बात अलग है। अगर मैं एक चित्रकार होता तो मैं ये तस्वीर बनाता, इतना भारी जुआ यीशु के कंधे पे है, एक बार मेरे कंधे पे आगे बढ़ता हूँ, मेरे सर उसके कंधे पे, मेरा माता सीरुआ नहाना ना पसीना विश्राम करूँगा तेरे संग, जुआ उठा तेरे मुँहे मेरी विश्राम करूँगा तेरे संग, तेरी जुआ उठा तेरे मुँहे उठाऊँगा विश्राम करूँगा। ऐसे मेरे विश्राम को वचन कहता हमारे वर्तमान में कुछ नहीं आता। यस यीशु का हृदय पिता परमेश्वर का हृदय ही है, उसके खुलासा करने के लिए मैं यहाँ ले पर वो खाना खाने को भी समय नहीं मिलता, नहीं है। इतने काम इतने काम इतने काम, यीशु कहते चल एकांत में चल यार, एकांत में चल। यस ब्लेस्ड इज द मैन हु हैज नो द ब्यूटी ऑफ who has understood the beauty of spending time all with Jesus and with none else. Hallelujah. To enjoy the bliss and the solace of His presence. उसके संगति में ऐसे बैठ कर ये शांति और विश्राम का अनुभव किए हुए लोग, धन्य वाले लोग धन्य है। अन्य लोग कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं देखा, मेरे साथ कोई नहीं देखा है। यीशु के संग में बने रहो कर दो विश्राम, आमीन। आराम है, आमीन। आराम है, आमीन। आमीन। हालेलुया, वो आराम विश्राम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, नहीं है। कहते आ जाओ और वहां लिखा है दे वेंट टू अ सॉलिटरी प्लेस, नहीं है, ऐसे एकांत स्थल में गया, लेकिन यीशु के साथ, आमीन। यीशु के साथ ऐसे एकांत स्थल में जाओगे तो विश्राम है, शांति है, नहीं तो घबराहट है, नहीं तो तकलीफ है, नहीं तो परेशानी है। ऐसे परमेश्वर का वचन से हमें मालूम करता, हमारे बढ़ता, हम यू हिना में आता। यस कहते चिंता मत कर, मैं दूसरे उपदेश को भेज दू, मेरे सहायक आएगा, नहीं है, सहायक, वो सहायक आएगा तुम्हें मेरे विश्राम में प्रवेश कराने के लिए मदद करेगा। तुम अभी तक मेरा वचन पूर्णता में पाठ कर परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं, लेकिन मैंने पिता परमेश्वर में विश्राम पूर्णता में पाया, आमीन। इसलिए मुझ में शांति है पूर्णता में, आमीन। हाँ प्रभु, अब तक आप लोग स्वर्गीय शांति पूर्णता में नहीं पा सका, अभी भी डरता, अभी भी घबराहट, अभी भी बंधन में आता, सबसे ज्यादा लोगों के साथ ये था, नहीं है। यीशु कहता मेरी शांति पूर्णता की शांति, आमीन। मैं काम करने पर आप कंगाल हो चुके, माफ करो सॉरी, मैं कंगाल हो चुका, आपके जेब में कम से कम 10,000 से अधिक पैसा है, सच बोला मैं, सच बोला मैं, आज है, आज है, आज है, मुझे मालूम है, आज है, मुझे मालूम है सर।
आप कहता है ब्रदर मुझे सही नहीं लगता, मैं मेरा पैसा आपको देता वो शुक्रता मेरे पास पर पूरी से पूर्णता में स्वर्गीय शांति है, तू नहीं पा सकता अभी तक, मैं देख कर जाऊंगा और बाद में मैंने निर्लज कहा लोगों को सबसे अशांत पद प्रभु किया पाप करो द मोस्ट वरीड मैन द मोस्ट एंशियस मैन इज जीसस माय ब्लेसिंग लॉर्ड। सब लोग इसे देखा इसे झूठ क्यों कहता है मुझे पता है झूठी है, लेकिन मैंने उसको स्थापित किया। यीशु ने कहा तेरी चिंता मुझ पर छोड़, तेरी चिंता मुझ पर छोड़, तेरी चिंता मुझ पर छोड़, मैं उठाऊंगा। इसलिए चिल्ला कर रोता हूं स्वर्ग श्री हासिल में वीणा बजाते हुए दूत लोग जब गीत गाता हूं, एक मनुष्य रो रहा है, एक मनुष्य रो रहा है, प्राचीन मनुष्य गिर पर करार आंदोलन करते हैं, एक मनुष्य का चिल्ला सुनाई दे रहा है, खाने के तो बाहर जाके भूल गई। मैं बार बार प्रभु को ये बात कहता, कल भी कहा मेरा चिंता मैं तुझको छोड़ता क्योंकि तू हमेशा तेरे लिए चिंतित है। हम बड़े कुछ जाते विचार अंग्रेजी में कुछ कुछ बाइबल में बहुत सुंदर रीति से लिखा, माय पीस I live with you। तेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा भाई मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इधर छोड़ के जाता हूं ताकि यू कैन यूज इट। आमेन आमेन आमेन। जब तक मैं तुम्हारा नहीं लौटूंगा आई ही वन पीस विद यू डियर बिलवड। आमेन। यस राइट हां प्रभु। यस आगे बढ़ता। यस चलो मैं आता। यस ये शांति तो मुझ में पाओ। तुझ में शांति नहीं है, मेहनत करके भी नहीं पाया, विश्वास करने का कोशिश किया नहीं, नहीं होता ऐसा, आज्ञा पालन करने का मेहनत किया नहीं, नहीं होता। अब 130 में नहीं गया वचन वाले का है तेरा वचन शांति देता हमें, लेकिन वचन में मैंने नहीं रह पाया। मैं ये शिकत है तू आ मुझ में तू पाओ। आमीन। एंटर इनटू मी, एंटरिंग इनटू द पियरेस्ट हार्ट ऑफ जीसस इज एंटरिंग इनटू द पीस ऑफ गॉड। मैंने कुछ कहा परमेश्वर के पुत्र के छेद हृदय में प्रवेश करना ही है, स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश करना। आगे बढ़ता बाकी तो आपके लिए है। यीशु का उत्थान हुआ पर वो से जी उठकर आया है। चले लोग पहले छठी खाए साथ देने वाला कोई नहीं है, मृत्यु का भय है, मृत्यु का भय से अधिक खाने पीने का भय है, खिलाएगा यीशु के साथ चलेगा तो खाना पीना बहुत है ना। समझता संडे स्कूल में एक बच्चा टीचर को पूछा, टीचर टीचर बाइबल में लिखा है ये मूसा बात में बड़ा तेज था, बाइबल में लिखा है प्रेरितों के पुस्तक में लिखा है वाक्य में प्रवृत्ति जो है भयंकर से बड़ी था, फिर ये तो दिला कैसा लिखा ना बोला भैया बोला मैं तुझला, लेकिन बाइबल में लिखा है वो बड़े was very eloquent down ऐसा लिखा है, quite an eloquent preacher speaker he was। तो बोला ऐसे गलत सवाल नहीं करना, मैं कह रहा मैं बताता हूं ये सब उसकी बड़ी बहन और मां की गलती है, उन्हें नौकरी पर उसमें डांपर लगा
छोटा शिशु लोग क्या करते हैं, कुछ भी आया खाता, ये ऐसा उंगली से ऐसे ऐसा करके ये बाप को सब खाया, ऐसा उसका मुंह में जाके चिपक गया, छोटा एक जीव है अंदर बंद हुआ चिपक गया, ऐसे चिपके गए तो तुम तो कौन तो तब टीचर को पता चले ये बात, आप कभी तक पता चला ना तब भी मैं सिखाता हूँ इस्लाम अरे वो टाइगर बिस्किट नहीं था तो ये नहीं होता था क्यों नहीं देखा नहीं था तुम कहीं था तो नहीं था ओके अच्छे खाने पीने की चिंता है मृत्यु का डर है ऐसा भाई का यीशु आपके कहता हाँ तुम्हें शांति मिले यस लॉर्ड पीस व्हाट्स द कॉस्टलीस्ट स्टफ दैट दे कुड हैव एवर बॉट शांति सबसे महंगा था वो टाइम उनके लिए सबसे कीमती चीज है वो समय कैसे मिलेगा आपको याद आया 5000 लोग पुरुष थे 25000 और भी लोग थे उनको खिलाने के लिए उनके पास कोई मार्ग नहीं था नहीं है उनको लगा कि बड़ा कीमती माल है रोटी खरीदना 200 दिनार चाहिए नहीं है ये बहुत लफड़ा वाली बात है ये नहीं हो सकता चिंतित है लेकिन शांति खरीदना 200 दिनार की बात नहीं है मैं कभी नहीं खरीद सकता कभी नहीं अपना सकता यीशु ने हाथ फैला कर दिया इट हैज बीन पेड फॉर योर पीस हैज बीन पेड फॉर तेरी शांति खरीदा गया है तुम्हारे लिए मेरे लिए शांति स्वर्ग की शांति खरीद चुकी है यीशु ने खरीदा है परमेश्वर का राज्य जो है ये खाना पीना नहीं है किसी ने भी सिखाया होगा परमेश्वर के दास लोग विचार करते थे जीवन ऐसे कहते सुबह सुबह कल रात के कंची के लिए तड़पता था आज हम लोग क्या कुछ भाषा बोलो मुझको भी नहीं आता बर्गर और क्या बोलता KFC और कुछ 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 बड़े बात में आधा सुना नहीं उनको सब सुन मालूम है उसमें से हम छुटने के लिए तकलीफ होते हैं ऐसे बोलता हूँ दूसरे बंदर को बोलता ऐसा ना बंदर यार बोलता पर वो कहता है ये सब अच्छा ही है लेकिन परमेश्वर के राज का इसके कोई संबंध नहीं है विकास में ये खाना पीना नहीं है वो स्वर्ग की शांति है और आत्मा में आनंद है स्वर्ग की शांति आत्मा में आनंद है वो मैं प्रवेश कराने के लिए प्रभु ने अपने आप को फाड़ा वो शांति के लिए वो आनंद के लिए वो खुशी के लिए वो शांति की पूर्णता पाने के लिए हमको बुलाया है विश्वास करने में जो आशा है वो लिखा होगा विश्वास करने में जो आशा है आश्रय करके बने रहने में जो विश्राम है वो दिलाने के लिए प्रभु ने क्यों चुकाया स्वर्ग छोड़ कर आया ताकि मैं और आप उसमें विश्राम पाए हमें वह है स्वर्ग राज्य उसकी सुसमाचार हमें सुनाने को कहा है प्रभु वो सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है 15-13 क्या कहता अच्छा वही है मैंने वही कह दिया हम आगे बढ़ता हम पहला 14-33 पढ़ता ये गड़बड़ी की आत्मा नहीं है परंतु शांति का परमेश्वर है यीशु की आत्मा गड़बड़ी की आत्मा नहीं He is no God of confusion. He is a God of peace. Amen. This table, apni prija se, yes, shanti ki baatein kahega. Amen. Amen. Mera English version mein likha hai. This table, He will promise peace to His people. Whenever He comes, He promises peace. Why not karta hai? मैं शांति दूंगा आमीन वादा करता है तू मुझ में शांति पाओगे ओ प्रभु आमीन आमीन हर वक्त वो आता पीस भी अपनी यू करता इसलिए आदि से अंत तक परमेश्वर प्रतिशोध वो करता डरो मत शांति
राजकुमार है, he is the prince of peace. Yes Lord. अम्बी आपके लिए क्यों याद था? Yes Lord. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समूह उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमने आज प्रभात में जो जो बात पढ़ा मुझे अभी याद है, वो सब चौपाल पर लिखा है, जब तक तुम विश्राम नहीं करोगे मैं तुझको चुरा नहीं सकता। नहीं सकता, हाँ यस। तू विश्वासी है और तू मेरा संतान है, लेकिन तू You are striving and struggling. Give me a chance to deliver you. इसके लिए मैंने उनको कहा कि तैरना नहीं आता। आप हजूर ऐसे कितने सारे चीजें जिसको आप फंस सकता है, तो ऐसा लोग डूबते ना बचाना बहुत मुश्किल है। मैंने लोगों को सिखाया क्या करना है। मेरा एक गलत आदत है, जो चीज मुझे नहीं आता वो मैं सिखाता। कंपनी में दो तीन को ड्राइविंग सिखाया, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता। उसको बोलता है पहले जो जिसमें रात धीरे धीरे एक्सीडेंट होते कटो करो तो बाजू में बैठ के उसको चलाओ बोलेगा तू। मैंने भी चलाया यार, ऐसा कुछ ऐसा मैं गीत भी सीखा था। हमारा चर्च का फायर लीडर तब एक जमाने में मुझको जाता नहीं है, कीबोर्ड इसके ना कीबोर्ड प्ले करने वाला उसको मैं बोले ये गाना ले, उसका बेस निकाल दो लोग लेकिन मैं वचन सिखाना जानता हूँ। समय नहीं आने ये लोग को वचन बोलो को लेकर पीछे क्यों हटते, मैं बोलू आपको बुरा ले लेके कर तो वचन में लिखता है अधिक सजा मिलेगा उपदेशक बनेगा। ये लोग सोचते तू मत, हम लोग आराम से बैठ के सुनेंगे, ये अच्छा आइडिया है, अकल की बात है। तू सिक्का तू उपदेश दे बाहर मत कर, तू काले हम लोग बच गया लगे। वो बोलते नहीं है, बोलते चिंता छो तब परमेश्वर का वो शांति सारे समझ के आप जानते हैं। मुझे बहुत कुछ बोलने का था शांति के विषय में, यीशु की शांति है कि हमारे समझ में नहीं आएगा। ये बावड़ के बीच में, ये तूफान के बीच में की शांति है। ये जब सूली उठा कर चलता था तब उसकी शांति है। जब उसका प्रिय मित्र ने उसको धोखा दिया था तब उसको उसने क्या किया, उसको पकड़वाया। फिर भी वो दूसरा शब्द ही नहीं लगता, बिट्रे 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 किया नहीं है। ये परमेश्वर के दास को मूसे मैंने एक पिछले अनेक दिनों में उसके साथ जो हो गया वो उसने बताया कि वो इससे बहुत पीड़ित बहुत दिन दिन वो कहते कि ऐसा होता तो मैं सह लिया, इतना मैं सह लिया, ऐसे सब करके वो रोता। परमेश्वर के दास लोग पूरा अलग 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 देशों में अलग 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 कलीसियाओं में रोता है। आप लोग उसको रुलाता नहीं, अच्छी बात है। कब उसके सामने वचन आया, बड़ी खुशी से आधी रात को हाथ उठ कर देखा तो यीशु कहता मेरी निंदा किया मेरा दुश्मन ने नहीं किया। जब आत्ममित्र जिसके लिए पूरा जीवन दिया कुर्बान किया और निंदा करता, तब यीशु ने ये शांति को अपनाया था। वो शांति मुझको ले जा रहा हूं, वो शांति मेरी है। जब मित्र पकड़वाता था, जब उसके भाई लोग विश्वास नहीं करता था, उसमें जो बनी रही है शांति की पूर्णता, वो शांति मुझको देता हो। मैं मेरी शांति तेरे पर छोड़ कर जाता है। समझ के बाहर कुछ कुछ प्रचारक लोग, सारे प्रचारक लोग मुझसे अच्छा है। सकल बुद्धि है की शांति है, ये भवन के सामना करते वक्त प्रभु देने वाली शांति है।
किसमें आता? तीसरे अध्याय क्या? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम में धन्यवादी बने रहो। बुलाए गए लोगों को शांति मिलने की संभावना ऐसे कहा? नहीं नहीं नहीं, बुलाना ही उद्देश्य, बुलाए गए हो इसलिए मैं कहता दिस इज नॉट ए बोनस। ये मुझे दिवाली के टाइम में या क्रिसमस के टाइम में कोई खुशी से देने वाले बोनस नहीं है, इसी के लिए बुलाया है। हम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गीत करो। इसके लिए क्या करना? मसीह का वचन अपने हृदय will cause me to enter into His peace. Amen. एक दूसरे को ज्ञान की बात सिखाओ। वचन पूर्णता में let the word of God richly dwell in you. Amen. So that the peace of God will rule in your heart. वो राज करेगा। Amen. वो राज करेगा। Amen. सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मैं दूसरी तिसलुई अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। शांति का सोता है यस हर प्रकार की शांति हाँ प्रभु हर चीज शांति अलग 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 प्रकार की परेशानियां तकलीफ हर प्रकार की शांति मिले। शारीरिक अवस्था की हो मानसिक अवस्था की हो आत्मिक चीज की हो या आर्थिक समस्या हो हर प्रकार की चारों ओर बगने वाली एक नदी है शांति का नदी है उसके किनारे पे उस एकर में तृप्त होकर विश्राम करूंगा। आमीन। मैं विश्राम करूंगा। आमीन। हमें इब्रानी में आने से पहले याकूब के पास जाते हैं। इब्रानी के बाद याकूब आता मुझे पता है लेकिन वो ब्रैके नहीं से पड़ा मैं सोचा कि बाद में मैं भूल जाऊंगा। जो ज्ञान ऊपर से आता वह पहले तो पवित्र होता फिर मिलनसार कोमल और मृदु भाव और दया। ये ज्ञान जो ऊपर से आता ना वो पीस की है शांति की है वो मेल मिलाप की है। आमेन। ये ज्ञान इसलिए स्वर्ग से भेज दिया गया दुनिया के सामने दिखाने के लिए नहीं कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ मैं बड़ा अक्लमंद हूँ इसलिए कि स्वर्गीय शांति को मैं पूर्णता में अपना हूँ शांति बना के रखने वाला बनो शांति बना के रखने वाला यीशु है लेकिन उससे शांति पाकर वो नदी से की पिक कर मैं शांति बनाने वाला बन जाएगा। मैं शांति का वक्ता सिर्फ नहीं मैं भी शांति का स्रोत बन जाऊंगा। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे विश्राम में प्रवेश करो। आई वॉन्ट टू मेक यू माई एजेंट। Amen.
समय मिला तो ये गाऊंगा जो हमारे पैर मास्टर गाता था, और कहते मैं खास करकर ये पक्षी होता मैं दोनों पंखों को उठू मैं जाऊंगा ऐसे लोगों के बीच में उतर कहेगा तुम्हें शांति मिले करने वाले के बीच में गलत मार्ग में से चलने वाला प्रभु की ओर से बड़े के लोगों के बीच में उतर कर मैं कहूंगा तुम्हें शांति मिले शांति का वक्ता बनोगे शांति का दाता बनोगे। इब्रानी में कहता है एक विश्राम अभी भी बाकी हमारे लिए बाकी है। यहोशु ने ये नहीं कर पाए बुलाया उसके लिए। यहोशु जब मूसा के सामने चलता तब तब परमेश्वर यहोवा ने कहा यहोशु के सामने चल के तुमको विश्राम नहीं है ना, मैं तेरे सामने चलूंगा तो विश्राम पाएगा। उसने कहा तू काम कर मैं मरने पर हूं, तू इनको को लेके जा ले नहीं है शांति से बसा। लेकिन ये होशी ने उसमें शांति सारे काम होने के बाद शांति की पूर्णता है। इसके लिए क्रूस पर से चिल्ला चिल्ला कर उसने कहा आप देखो हो गया, अब हो गया, देखो हो गया है, ये होशी नहीं दे सका। इसके लिए प्रभु ने और एक दिन की नियुक्ति किया, और एक दिन की नियुक्ति किया वो 2030 में अगस्त 15 को है, नहीं है आज है। yes! वो जिसका हाँ जो आज है आज अभी में ये वचन सुनते आज प्रभु की शांति में और विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने आराधी से चुनकर रखा दिन आज है। प्रभु कहता आज है, इन पिछले द्वार को शायद ये वचन नहीं सुना जा रहा क्योंकि वो दिन आज है। कोई भी व्यक्ति हो सकती है मेरी शादी को तोड़ने का प्रयास क्यों करे, कोई व्यक्ति हो सकती हो मुझ पर ये शादी का मार्ग से विश्राम से मुझे निश्चय करने का प्रयास क्यों करे, मैं यत्न करूंगा, मैं बने रखूंगा, मैं मेरा विश्राम स्थान को छोड़ूंगा नहीं। I will stay put in the rest that God has carved out for me. Amen. मेरे लिए खास मेरे लिए उसने जो तैयार किया वो विश्राम में मैं प्रवेश करूंगा। Amen. Amen. It waits for me to enter in. वो मेरे इंतजार में है, परमेश्वर के पुत्रों के इंतजार में है। एक एक करके ये विश्राम में प्रवेश करें। कुछ लोगों को लगता है ये मूर्ति की बात है, नहीं है। हालेलुया, प्रभु के चेतित हृदय में घुस कर विश्राम पाने वाली बात है। मैंने कल रात को उसका हेडिंग क्या लिखा था बताया, कैप्शन आर आई की लिखा था, तो मुझे लगा लोग डर जाएंगे जब लोग मरते कब्र के सामने से लिखा वही मैं लिखा। मैं सोचा लोगों को डर लगा जगह नहीं लिख ले कर लिया, तो मैं सोचा छोड़ ऐसे नहीं लिख दो बार लिखा दोनों बार बैठा सचमुच वही है यहाँ जिंदा रेस्टिंग पीस, लड़ाई के मैदान में रेस्टिंग पीस, समस्याओं के बीच में रेस्टिंग पीस, उठाया जाएगा रेस्टिंग पीस। Nothing and none can ever disturb my peace and rest in the Lord, says the Word God। परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला कर कहता तेरे विश्राम और तेरी शांति को कोई भी कुछ भी कभी नहीं तोड़ सकता। अरे मेरी वायदा नहीं टूटेगी तो तेरी शादी और तेरा विश्राम भी नहीं टूटेगा। यस पत्र सबको पूछते हैं इसका रहस्य क्या है। यस पत्र कहते दीनता से बने रहो रहना परमेश्वर के हाथ के ऐसा नहीं है, तब सही समय पे वो उठाया जाएगा। नहीं अमीन पत्रस को ये मालूम ऐसा इसके लिए आपकी तूफान
इसलिए नीव डूबने पर खाया। चार कदम रेखा कितना कदम रेखा मुझे मालूम नहीं, पत्रस गुस्सा मत कर, मैं कुछ भी बोलकर उसे कर, तू गुस्सा मत कर, इतना भी कदम दिया, चलो डूबने पे आया। यस अम्बे अम्बे लात को कर, पत्रस का हाथ मेरे सामने और एक बार आया, पर लात को अकेले हाथ बढ़ाया तो वही एक लाश के लिए, एक लड़की के लिए यही हाथ। अम्बे ये हाथ अनेकों के लिए है, यस ये शादी का हाथ है, ये विश्राम देने वाली हाथ है। प्रभु कहता मेरा हाथ से तू पाओगे और तेरा हाथ से तू पाटोगे। अम्बे आई टीच मेरे हाथ से तू पाओगे, तेरे हाथ से तू पाटोगे, शादी पाटोगे, विश्राम में लेकर आओगे, ऐसा पत्रस के यस लॉर्ड सारी चिंता उस पर। यस मैंने गलत बोला कि यीशु चिंतित है, सदा चिंतित है, इन्वर्टेड कॉमा में वरी वरी चिंतित है। हालेलुया उसके ऊपर छोड़ो, कहते जितना भी तू बोझ मेरे कंधे पे डालेगा मैं शर्मिंद नहीं होता। लिखा है मैं शर्मिंद नहीं होता, नहीं होता, मैं थकूंगा नहीं। आप जितना ज्यादा डालोगे इतना ऊंचाई में तू कूदोगे। अमीन। उच्ची के समान मेरे पास पंखे होता तो मैं उड़ता, विश्राम पाता, यस लॉर्ड, मैं विश्राम पाता। अमीन। मैं खत्म करता है, खत्म करने से पहले नीचे कुछ लिखता है, गीती की पुस्तक की बात, हाँ नहीं ना, छेका 26:27 है, छेका सभी सतार से यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हाँ खड़े हो जाते हैं। हाँ प्रभु हम इसके साथ खत्म करते हैं क्योंकि वहां कुछ शुरू हो जाएगा। खत्म परमेश्वर यहोवा नाम से कहता, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। यही विनती से आज हमने आज की आराधना को शुरू किया, यहोवा अपना मुख चमकाए, अनुग्रह करे हर एक के ऊपर, हर परिवार के ऊपर, ये दुनिया के ऊपर, जितने लोगों का बहुत उठा कदम चलते उस समय के ऊपर परमेश्वर अपना मुख उठाए। प्रभु के समग्र किया
परमेश्वर यहोवा तेरे पास सब करे फिर लोग स्वीकार उससे ज्यादा हमें स्वीकार हमें ग्रहण कर हर एक को ग्रहण कर दूर के समीप के बारे सारे लोग निश्चय तू हमसे शादी की वक्त किया है शादी की वाचा बंद है कभी नहीं टूटेगी अब तक रहने वाली वाचा तूने हमारे शब्द बचा है बचाओ तेरा नाम हमारे मन पर रखा है तेरा मुंह पे तूने चमकाया है हम तुझ में विश्राम पाते रहेंगे पूरे मंडली का आशीर्वाद मंडली का हर परिवार का रही सदस्य को तेरा हाथ में सबका बहुत ऐसे आशीर्वाद तेरी शादी हमारे बीच में और हमारे जीवन में बने रहे और हम तुझ में तेरे अंदर विश्राम पाते हैं खराब शिक्षा को पूरा सारे बंधन तो सारे श्राप को मिटा स्वर्गीय शांति और आनंद से भर के सुरक्षित है काम करते हैं चंगा करते हैं तेरी बलवंत हाथ बढ़ाकर मैं चला तेरी महिमा के लिए यीशु के मेरे नाम से मांगता आमीन एक दो मिनट में आपका आउट लूंगा आप शांति से बैठिए